दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर स्किन में। और आज के इस वीडियो में हम लाए हैं मल्टीप्लिकेशन का एक ऐसा ट्रिक जिसके द्वारा जितने भी बड़े से बड़े संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से कम समय में कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं 103 मल्टीप्लाई 107 इसका आंसर हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई 102 इसका आंसर इतना हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी मल्टीप्लाई मैंने कैसे कर लिया, तो आइए देखते हैं 103 मल्टीप्लाई 107 ये 100 से कितना ज्यादा है 3, 100 से कितना ज्यादा है प्लस 7। 103 में प्लस 7 को कीजिए या 107 को प्लस 3 कीजिए, जो आंसर आएगा वो सेम होगा। तो 37 का कितना होता है 21, 103 को प्लस 7 कीजिए कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 105 मल्टीप्लाई 102, ये हमारा 100 से कितना ज्यादा है प्लस 5, ये 100 से कितना ज्यादा है प्लस 2। 105 को प्लस 2 कीजिए या फिर 102 को प्लस 5 कीजिए, जो आंसर आएंगे वो हमारे सेम होंगे। तो 5 टू जा कितने होते हैं 10, 105 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 107, ये हमारे आंसर होंगे। नेक्स्ट आते हैं 135 मल्टीप्लाई 103, 100 से कितने ज्यादा है 35, ये 100 से कितना ज्यादा है प्लस 3, 135 को प्लस 3 कीजिए या फिर 103 को 35 प्लस कीजिए, जो आंसर आएगा सेम होगा। 135 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 105, तो 3 डिजिट का नंबर नहीं लिखते, 3 डिजिट की बजाय 2 डिजिट का नंबर लिख लेते हैं और जो 1 हमारा बचेगा लास्ट वाला वो हमारा हो जाएगा कैरी। तो 135 में 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 138 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 139, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आइए हम अपने सेकेंड मेथड को देखते हैं 98 मल्टीप्लाई 95, ये हमारा 100 से कितना कम है माइनस 2, ये हमारा 95 100 से कितना कम है माइनस 5। 98 को माइनस 5 करें या 95 में माइनस 2 करें आंसर सेम आएंगे, तो 25 या 10, 98 में से माइनस 5 करेंगे तो हमारे कितने आएंगे 93, ये होंगे हमारे आंसर। तो दोस्तों अब आते हैं थर्ड टाइप क्वेश्चन पे, ये थर्ड टाइप कैसा होगा 102 प्लस मल्टीप्लाई 98, तो ये हमारा 100 से कितना ज्यादा है प्लस 2, 100 से कितना कम है प्लस सॉरी माइनस 2, तो 102 में माइनस 2 कीजिए या 98 में प्लस 2 कीजिए सेम आंसर आएंगे। तो उससे पहले 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस का ही चलन आएंगे, तो 102 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। मान लीजिए 100 नोट्स हैं हमारे पास, उसमें से 1 हम निकाल देंगे तो हमारे पास कितने नोट्स बचेंगे 99, जो हमने 1 नोट निकाला था उसमें से माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।